सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार विश्वास करना भी बड़ा कठिन है और बड़ा सरल भी है। भगवान को पाना उतना कठिन नहीं है, भगवान को पाना तो बहुत ही सरल है, पर हमारा सरल बनना कठिन है। हमारा सरल बनना कठिन है, उसे पाना तो बहुत सरल है। देखो, एक बार वृंदावन में एक गोपी माखन बेचती थी। क्या माखन? यमुना जी पार करके आती, माखन बेचती। तो जो जो वृंदावन गए हैं आप में से, आपने देखा होगा यमुना जी के किनारे कथा वगैरह चलती रहती है, हमेशा हमेशा नित्य कथाएं चलती रहती। तो गोपी ने जट से माखन उसका बिक गया, सोचा जल्दी जाके क्या करूंगी, अभी समय है तो चलो आज कथा ही सुना महाराज कहीं के। कथा में गई तो गुरु जी कह रहे हैं, भाई राधे राधे बोलो और बहुसागर, राधे राधे बोलो और बहुसागर। अब गोपी थी तो माइंडेड, माखन बेचती थी भाई, बिजनेसमैन तो थी। उन्होंने विचार करियो, भाई जने महाराज के गुरुजी वहाँ व्यासपीठ से के कि भाई राधे राधे बोलो ने बहुसागर पार, तो गुरुजी झूठ तो बोले ने, बात तो सही है। तो अपन तो रोज 10 रुपया नाव वाला के दा आई आने का ने 10 रुपया वहीं जाने का है। जब समुद्र पार कर ही सकता है, जब सागर पार कर सकते हैं तो नदी पार नहीं होगी। तो आज कथा में आरती हो गई, उसके बाद गई और आज उसने अजमाया। और अजमाया क्या, जहाँ घाट था, जहाँ नाव थी वहाँ नहीं गई, दूसरी जगह गई। और दूसरी जगह बस अब राधे 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 राधे, यमुना जी में पहला पैर रखा पांव डूबा नहीं महाराज, दूसरा पैर रखा तो भी नहीं डूबा। अब उसका राधे राधे बोलना और जोर से हो गया और यमुना जी पार कर गई बिना नाव से। बिना नाव से यमुना जी पार कर गई। दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन भी माखन की मटकी भरी, समय हुआ जाने का आई। अब फिर विचार आया, अपने तो पैसा लागे ही नहीं, तो जन वहीं से आके फिर राधे राधे बोली और फिर महाराज यमुना जी पार। अब 10 रुपया आने का, 10 रुपया जाने का, रोज बच जाए 20 रुपया। तो गोपी सोचे महाराज तो अपनो फायदो कर दियो, भलो कर दियो। तो एक दिन महाराज के रसोई करा था, भोजन ही करा था अपन। तो आज कथा में गई, गुरुजी आपकी कथा हो जाए और आज आपको प्रसाद हमारा यहाँ है। महाराज के ठीक है भाई, आरती हो जाए कथा की, फिर अपन भोजन पाने चाहिए। कथा हुई, कथा की आरती हो गई और गुरुजी को लेकर गोपी आगे आगे, गुरुजी पीछे पीछे चल भाई। अब जहाँ घाट था, जहाँ नाव मिलती थी वहाँ तो लेके नहीं गई, उसका पर्सनल घाट वो अलग, वहाँ लेके गई। अब वहाँ लेके गई महाराज और जो ही गई, गुरुजी के बेटा यहाँ तो कोई नाव है नहीं, हम यमुना जी पार कैसे करेंगे। बोले गुरुजी नाव की जरूरत ही कहाँ है अपने को। फिर बोले आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ। अब गोपी ने जैसे यमुना जी में पैर रखा, वो तो यमुना जी के जल के ऊपर चल रही है। महाराज सोचे गोपी तू तो कहीं तंत्र मंत्र जानती वेला है, मारे तो कहीं आवे नहीं, तो तू पार हो जाएगा, हमारे तो नाव ही चाहिए। बोले नहीं महाराज, ते भी राधे राधे बोलो ना, पीछे आ जाओ, कोई डूबोगा नहीं, मार पे थोड़ा ध्यान रखो बात। अब गोपी जो ही बात के महाराज सोचे आज या डूबा के ही मानेगा, ठीक है भाई। तो महाराज ने भी पैर रखे, गोपी गई यमुना जी में पार हो ही रही थी, और यहाँ जो महाराज ने पहलो पैर रखियो पहलो ही डूब गयो। अब ओ गोपी कहीं हो महाराज, अरे देख मैं डूब गयो। अब आई गोपी बीच यमुना जी से घूम के हाथ पकड़ा, कहा गुरु जी जिस गुरु ने, जिस नाम ने मुझे पार कर दिया वो मेरा गुरु डूब नहीं सकता। और उस गोपी ने उस महाराज का हाथ पकड़ा और खुद भी पार हो गई और गुरु जी को भी पार कर दिया। कहने का तात्पर्य यही है, भगवान को पाना बड़ा सरल है, पर महाराज हमारा सरल बनना कठिन है। गोपी की सरलता थी, उसका विश्वास था, विगत श्वास अवसर है अनमोल काम, कुछ ऐसा कर जा पाकर गुरु से ज्ञान, मरने से पहले मर जा, अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा, और श्री सीता राम नाम सुमिरन कर और बहुसागर से तर। विश्वास।